बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में, और मैं सूरज राज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं, जो फैजाबाद अयोध्या में है, जो यूपी में पढ़ते हैं, और जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं आपके 25 अप्रैल से, तो सभी छात्रों को कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि आप टॉप करने वाले हैं 2022 के एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होने वाला है अभी हाल ही में, आप टॉपर बनोगे, मैं आपसे वादा कर सकता हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, यहाँ बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ओपन करना है और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वही क्वेश्चन को तैयार करना है। तो पहला देखो, यहाँ बात करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको सिंपल तरीके से बोला गया है, इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो जो क्वेश्चन मैं आपको टिक लगवा रहा हूँ वही क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, बाकी कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को याद करेंगे, ओके। चलो यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन पर आप टिक लगा लेंगे सभी लोग, पहले क्वेश्चन का आपके सामने टिक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का टिक लगाएंगे। पहला बोला गया है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे कहते हैं, देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसे हम बीबीटी के नाम से जानते हैं, इस तरीके से भी आपके पेपर में आ सकता है कि बीबीटी क्या होता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल एक थ्योरीज दी है और इसकी लिमिटेशन, मतलब कि इसकी सीमा के बारे में पूछता है, इसकी कहां तक सीमाएं हैं, तो सीमाओं के बारे में आप पढ़ लेना है साथ में। और एक क्वेश्चन ये आता है कि एलएस युग्मन क्या होता है, क्लॉपिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट मोस्ट बता रहा हूं आपको, जो पता है इन क्वेश्चनों को रट के जाना है, ये क्वेश्चन पेपर में आपके छप रहे हैं, ठीक है। और वही बात की जाए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है क्रशली फील्ड थ्योरी, जिसे हम सीएफटी के नाम से जानते हैं, ये शॉर्ट में बोल सकता है, ये भी आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। बाकी मैं छुड़वा रहा हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन को आपको पढ़ के नहीं जाना है तो नहीं पढ़ना है, तो वो चीज है, ठीक है। अब यहां क्या क्या पढ़ के जाना है उसको आप ध्यान देखिए। देखो, ये होता है कार्बन धात्विक यौगिक, और ये है ना कार्बन धात्विक यौगिक की जो वहां बनाएंगे, बनाने की विधि आप देखेंगे, तो वहां ग्रिग्नर्ड अभिकर्मक बनाने की विधि आप देख पाएंगे, ग्रिग्नर्ड अभिकर्मक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखना, वो इसी के अंतर्गत आता है, कार्बन धात्विक यौगिक के अंतर्गत। वहीं आपको बात की जाए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कार्बन लिथियम यौगिक बनाने की विधि, देखो एक में क्या होता है कि कार्बन जो लिथियम यौगिक होता है, यहां एल्युमिनियम भी पूछ लेता है, एल एल्युमिनियम, जैसे एलआई है यहां एलआई, कार्बन एलआई, और यहां एल्युमिनियम पूछ लेगा, ये आपसे ब्रोमीन पूछ लेगा, सब कुछ बनाने की विधि वही लिखना है, जैसे कि यहां जो एलआई लिखा हो इस क्रिया में लिथियम की जगह पे, वहां आप एल ए कर, एल कर देना, वीआर कर देना, बाद वही हो, सब कुछ वही प्रोसेस कर देना है, बस काम हो जाएगा। एलआई एलआई की जगह पे आप एल कर देना, वीआर कर देना, पूरा वही बना के, कोई को ऐसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लिथियम कार्बन लिथियम यौगिक की जगह पे कार्बन एल्युमिनियम यौगिक आ जाता है, तो वहां जो एलआई होगा उसको एएल में चेंज कर देंगे, बस काम हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन वहीं आपको, ठीक है। कार्बन्स क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत कहते हैं ना, बहुत का मतलब जानते हो भाई, तो वो इंपोर्टेंट है। उसके बाद में ये आप देख सकते हो, इसको छोड़ देना, निकल डाटा इसको भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हम थोड़े से जाएंगे, उसके बाद में यहां देखिए, यहां बोला गया नाभिक स्नाही अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नाही अभिक्रिया, इन दोनों अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से याद करना, फास्फोजीन बनाने की विधि और उनके गुणों के बारे में याद कर लेना, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, फास्फोजीन बनाने की विधि उनके गुणों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है क्यूरी ताप क्या होता है, तो क्यूरी ताप के बारे में भी आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यूरी ताप, ठीक है, क्यूरी ताप। और उसके बाद में एक आता है चक्रवर्णन नियम, ये वाला आपको देखेंगे, चक्रवर्णन नियम देख रहे हैं ये क्वेश्चन। आप इन जो क्वेश्चनों के सारे आंसर देखना चाहते हैं तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर हमारे आप हमारी वेबसाइट पर जाइए paperhacker.in पर, नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक हमारा न्यू चैनल है, ठीक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, जो हमारा नया चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, ओके। अब यहां देखिए बात करने वाले हैं, नीचे आप क्यूरी ताप को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक नील ताप के आप नील टेंपरेचर के नाम से भी जानते हैं, नील टेंपरेचर, नील ताप, ठीक है, नील ताप को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे, ये वाला आप क्वेश्चन देख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल थ्योरी, ये आपसे जानता है एमओटी। इसके बाद में एक बॉन्ड ऑर्डर के अंदर निकल के आता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, डायविथ डायग्राम के साथ आपको पूछता है, जैसे कि ऑक्सीजन का पूछ लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेता है, तो इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद में आता है ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बोलते हैं D1 से लेकर D9 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाइए, ये इसको छोड़ देना है, देखो ये जो छोड़वा रहा हूं उसको छोड़ दे, एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं उसको पढ़ना है।
ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहां देखो शिथिलीकरण किसे कहता है, ये भी आपके लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, पढ़ के जाना। मैं आपसे वादा करता हूं, जिस तरीके से कह सकते ना कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, जब तक कि पतझड़ नहीं होता है तब तक पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं, और कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं, जब तक आप कठिनाई नहीं सहोगे संघर्ष नहीं करोगे तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा संघर्ष करके पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे ना मेरी बात को। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है आपके लिए। जैसे कि बात की जाए, जैसे एच एस ए बी बोलते हैं, इसे सिंपल ऐसे निकल गएगा कि एच एस ए बी क्या होता है, इसका वर्णन करूं। इसे बोलते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, ठीक है, मतलब कि जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन आएगा, और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अयोध्या यूनिवर्सिटी वालों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया ये वाला, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप जानते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मेंशन कराया था, क्वेश्चन को बताया था कैसे याद किया जाता है, वो आप याद करेंगे। वहीं बात की जाए, देखो फैराडे विधि द्वारा आपको चुंबकीय प्रवृत्ति का मापन कैसे होता है, और गॉय विधि द्वारा चुंबकीय प्रवृत्ति का मापन क्या होता है, ये पहली विधि मान लो, ये दूसरी विधि मान लो, इन दोनों विधि से आप याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है बेटा, क्योंकि ये आपके पेपर में क्वेश्चन छप रहा है, समझ रहे मेरी बात को। चलो ध्यान से समझ लेना। और सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन बनाने की विधि को, सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन बनाने की विधि को आप याद करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद नीचे जाएंगे, धातु कार्बन्स क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, धातु कार्बन्स के बारे में, ठीक है। और आयन कार्बन्स क्या होते हैं, बनाने की विधि, धातु कार्बन्स और आयन, ठीक है, आयरन कार्बन्स, इन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ओके। चलो समझ रहे हैं मेरी बात को, ध्यान से रखना है और अच्छे तरीके से समझना है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है। आपको पता होगा कि कितने बच्चे फेल होते हैं, फेल वाले जानते हैं, तो याद रखना हमेशा, जो काम दुनिया को नामुमकिन लगता है या फिर लगे दुनिया को नामुमकिन लगे, वही मौका होता है कुछ कर दिखाने का, समझ रहे हो ना, कुछ कर दिखाने का वही मौका होता है जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे। तो याद रखना है, तुम्हें कुछ करके दिखाना है और संघर्ष करना है, सबसे बड़ी संघर्ष है, जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बस इतना पढ़ लेना, पेपर हैकर आपसे बोल रहा है, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और न्यू चैनल जो हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है खिलाड़ी भैया एक्स बाई चैट, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अभी यहां देखो सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, 4,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बस यार फटाफट 1,00,000 सब्सक्राइब कराओ उस पे, जल्दी से जल्दी, ठीक है। और गिव्वे लगा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है गिव्वे का भी। यहां देखिए, यहां बोला गया अक्रिय गैस के नियम। अब अक्रिय गैस इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऐसा आपको पता होगा, खुद जानते हो, मुझे पता है बहुत, यदि आप सेकंड ईयर पेपर दिए हैं बहुत जानते हो, मुझे पता है, आप सब कुछ पता होगा। यहां देख सकते हो ईएएन के नियम क्या होते हैं, ईएएन जिसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ये और 18 रूल इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन नियम, ये इस नियम के अंतर्गत ही अंदर आता है, इसके पूरा पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन की संरचना मोस्ट मोस्ट ये इंपॉर्टेंट है, जो बॉक्स में बंद कर रहा हूं यही पढ़ लो, बस टॉप करने वाले हो, टॉप टॉपर बनोगे 2022 में। S1 और S2 में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह बोला क्या, चुंबकीय, देखो बोला क्या, चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार आयुक्त इलेक्ट्रॉन से भिन्न होती है, ये पूछ लेते हैं आपसे, पूछो, छोड़ दो उसको, छोड़ो यार, गोली मारो उसको, ठीक है, मत करो, मैं और कम करके बना रहा हूं। इसको देखो, यहाँ अकार्बनिक रबड़ को पढ़ लेना है, और फास्फोनाइट्रिक हैलाइड क्या होते हैं, रेखीय फास्फोहैलाइड, इनको पढ़ लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, अम्ल वर्षा को पढ़ेंगे। विटामिन B12, विटामिन, जितने विटामिन होते हैं सबको पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से इधर सब बाप, तो यार यार धुरंधर हुआ, मुझे पता है इतने क्वेश्चन को ना पकड़ोगे तो क्या करोगे, ठीक है ना। आप यहां देखो आयोडीन की बात करें, आयोडीन है, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, और क्रोमियम हो गया, इनकी परिभाषा छोटी भाषा में पूछ लेता है, इनकी कमी से क्या होता है ये पूछ लेंगे बस। मैग्नीज के कार देख लेना, मैग्नीज के क्या कार होते हैं, मैग्नीज जानते हो, मैग्नीज के क्या कार होते हैं वो आप देख लेना है। और ये क्वेश्चन आप देख लेना, डी ब्रोंगली तरंग, डी ब्रोंगली तरंगों को देख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एटमिक नंबर छोड़ो, हुड के रूल को पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, आप इसको पढ़ेंगे, बॉन्ड एनर्जी को। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन S1 S2 S3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण से बोलते हैं हिंदी में, संकरण, ठीक है, संकरण बोला जाता है इसको, ये पढ़ लेंगे। और ये बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इसको पढ़ लेना है। और अवाऊ और पॉली के नियम को पढ़ लेना है, ये आपके बुक में गैस पेपर में हो तो पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि होंगे मुझे पता है। उसके बाद में डी डी ट्रांसिशन, डी डी संकरण
अंकण क्या होता है आप इसको पढ़ लेना है, बाकी कुछ मत पढ़ना, यही हो जाएगा, पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, टॉपर बनना है, थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, मुझे पता है आप संघर्ष जरूर करोगे, ठीक है, आप मुझे पता है आप संघर्ष के बिना कुछ नहीं होने वाला, तो आप थोड़ा संघर्ष करिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखना कोई आप अच्छा काम कर रहे हो और जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ लेना आप तरक्की कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप समझ लेना कि आप तरक्की कर रहे हैं, थोड़ा सा लोग मेरी बात को समझ लेना, मेरी मतलब क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझ लो, यही पढ़ना है बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लव यू सभी को, आप अच्छे नंबर से पास हो, गॉड ब्लेस यू, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।